भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के 12 सदस्यों का दल पिडारी ग्लेशियर में स्वच्छता अभियान को अंजाम देकर लौट आया। 12 सदस्यों का दल अपने साथ एक क्विंटल MTR और प्लास्टिक का कूड़ा लेकर आया है। हालांकि पिंडर क्षेत्र में भारी बर्फबारी की वजह से दल नंदा देवी ईस्ट से लापता हुए पर्वतारोही मार्टिन मॉरन की खोज नहीं कर पाया। आपको बता दें कि करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर कैंप वन से पहले ये दल अपने साथ करीब एक क्विंटल कूड़ा लेकर नीचे आया। ये कचरा हिमालय अभियान पर गए पर्वतारोहियों ने छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है स्वस्थ भारत के लिए, जो उन्होंने एक कदम उठाया हुआ है, उस मिशन के लिए हमें IMF ने, इंडियन मॉनिटरिंग फाउंडेशन ने, एक पंडारी ग्लेशियर के लिए एक ट्रैक को के लिए रवाना किया गया था। उस दौरान हमने कोई एक क्वांटर के करीब हमने उस वहां पर जो कचरा, जो माउंटेनर या कोई अन्य दल जो उसमें कचरा फैलाते हैं, उस कचरे को हम जहां पे लाए हैं। वहीं दल के लीडर कर्नल SP मलिक ने बताया कि पिंडारी ग्लेशियर के पास उनके दल ने बेस कैंप बनाया और आगे कैंप वन में पहुंचे। इस दौरान भारी बर्फबारी के कारण दल को 3 दिन तक मौसम खुलने का इंतजार करना पड़ा। वहीं बर्फबारी नहीं रुकने पर दल MTR और प्लास्टिक के एकत्रित किए गए कूड़े को लेकर वापस लौट आया। हमारा अभियान दल कैंप वन ट्रेल्स पास के तरफ बढ़ते हुए जा रहा था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वहां रुकना पड़ा। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गई थी, इस वजह से वहां पे जो छोड़े हुए दूसरे एक्सपीडिशंस के लिटर्स, ब्यूटेन गैस रैपर्स और दूसरे प्लास्टिक बैग्स जो छोड़े हुए थे, स्वच्छता अभियान जो कि प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा एक अभियान है। गौरतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में IMF का ये अभियान विगत 3 साल से चल रहा है। अभी तक स्वच्छता अभियान पिंडर घाटी में बसे दुर्गम गांव में ही चल रहा था। पहली बार पिंडारी ग्लेशियर के कैंप वन तक ये स्वच्छता अभियान चलाया गया। पंजाब केसरी TV के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।